राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के वापसी के अब सारे दरवाजे शायद बंद हो गए हैं। बात की जाए तो आज झंडा तोलन करने भी पार्टी कार्यालय नहीं पहुंचे जगदा बाबू। इस मौके पर आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में तेजस्वी यादव को आना पड़ा। बात की जाए तो जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के अंदर सीनियर नेताओं के ऊपर तेज प्रताप यादव ने कटाक्ष कसा था, उसके बाद एक हफ्ता से ज़्यादा का वक्त हो गया और जगदा बाबू प्रदेश कार्यालय नहीं आए। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में आज जब राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में झंडा तोलन का समय तय किया गया तो जगदानंद सिंह का नाम दिया गया कि वही झंडा तोलन करेंगे। बात की जाए तो पूरे रात यानी कि 14 अगस्त के पूरे रात तक जगदानंद सिंह को मनाने की जो कवायद थी वो लगी रही, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश कार्यालय के अंदर और बाहर तेज प्रताप यादव ने कई दफ़े जगदानंद सिंह को बेइज्जत करने का काम किया है, उसके बाद अब जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देकर ही मानेंगे। देखिए ये तस्वीरें कि किस तरीके से डैमेज कंट्रोल करने के लिए खुद तेजस्वी यादव को झंडा तोलन करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश कार्यालय है वहाँ पहुँचना पड़ा। बात की जाए तो आज सुबह सवेरे सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 10 सर्कुलर रोड रावड़ी आवास में झंडा तोलन किया, उसके बाद वो पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुँचे और उन्होंने झंडा फहराया। बात की जाए तो जो गाइडलाइंस होती है उस गाइडलाइंस के तहत पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष झंडा फहराता है। बात की जाए तो राष्ट्रीय जनता दल के इतिहास को देखा जाए तो पहली बार ऐसा हुआ है कि झंडा तोलन में प्रदेश अध्यक्ष मौजूद नहीं रहे हैं। ये साफ संकेत दे रहे हैं कि जो जलील करने का काम तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह को किया था उससे वो काफ़ी आहत हैं और बहुत ही जल्द कहीं ना कहीं वो जो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर है उससे भी इस्तीफा दे सकते हैं। बात की जाए तो 14 अगस्त की रात तक जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि प्रदेश कार्यालय में जगदानंद सिंह ही झंडा तोलन करेंगे तो कई बार जो राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता हैं खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी उन्हें कई बार मनाने की कोशिश की, लेकिन जगदानंद सिंह के आज पार्टी कार्यालय में अनुपस्थिति का कारण ये बता रहा है कि जगदा बाबू नाराज़ है। हालाँकि राष्ट्रीय जनता दल के जो कई नेता हैं उनका मानना है कि जगदानंद सिंह की तबीयत खराब है, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो गया और प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश कार्यालय नहीं पहुँचे हों। गौरतलब हो कि युवा राजद का जो छात्र का संघ है उसका एक कार्यक्रम था जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेता थे जो युवा वर्ग के वो मौजूद थे और मंच से तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह को हिटलर करार दिया था और कहा था कि ये पार्टी किसी की बपौती नहीं है, जिसके बाद कहा जाने लगा कि जगदानंद सिंह इस बयान से काफ़ी आहत हुए हैं। इसके बाद कभी भी जगदानंद सिंह को पार्टी कार्यालय में नहीं देखा गया और आज जब झंडा तोलन के लिए नोटिफिकेशन जारी करके कहा गया था कि झंडा तोलन प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह करेंगे, उसके बावजूद आज जब जगदानंद सिंह नहीं पहुँचे तो पार्टी के कई और जो नेता थे, बात की जाए पार्टी के उपाध्यक्ष या फिर महासचिव, इन लोगों ने झंडा तोलन नहीं किया और पूरे डैमेज को कंट्रोल करने के लिए खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मैदान में उतरना पड़ा। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव ने भले ही इस डैमेज को कंट्रोल किया है लेकिन नाराज चल रहे जगदा बाबू क्या इस बार जब वापस प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे तो कुर्सी जो प्रदेश अध्यक्ष की है उस पर बैठेंगे या फिर इस्तीफा देंगे। क्या तेजस्वी यादव जो पूरे रात जगदानंद सिंह को मनाने में जुटे थे वो एक बार फिर जगदानंद बाबू को मना पाएंगे, ये सारी बातें देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बार बार तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से जगदा बाबू को बेइज्जत करने का काम किया है उसके बाद अब जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करने में पूरा राष्ट्रीय जनता दल जुटा हुआ है। अब बने रहे फर्स्ट वेयर झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आगे मत बढ़ो, आ जाओ कूद के, आ जाओ कूद के और पीछे चलिए, सब लोग आगे चलो, पीछे 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 चले लोग, चलिए पीछे चले सब का लूट है, सब पीछे बढ़ेंगे, पीछे खड़े बढ़िया बढ़िया सब का लूट कहां देखिए, पीछे आइए ना, पीछे चलिए, मैं सही हूँ।
अच्छा तो उठा 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 जय।